होली से ठीक 5 दिन बाद होने वाले झंडे जी मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर झंडे जी कमेटी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। मेले के व्यवस्थापक ने बताया कि मेला इस बार 12 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेगा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में दूर दूर से महाराज जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे संत आते हैं। बता दें इस बार 10 लाख से अधिक लोग झंडे जी मेले के आने का अंदाज है। इसके साथ ही शासन प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। शासन प्रशासन की तरफ से भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। आजस्वी सिटी सरिता डोभाल SGM ने भी झंडे का निरीक्षण किया और झंडे जी कमेटी के साथ बैठक की। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, ये आपने गत वर्ष भी देखा होगा कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो झंडा का आरोहण करने में सहायता करते हैं और उनका ड्रेस कोड होगा, उन लगभग 400 से 500 के बीच में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो अंदर रहेंगे और पब्लिक जो है और जो फॉलोअर्स हैं वो बाहर जहाँ की खड़े होते हैं, जहाँ की पब्लिक रहती है, श्रद्धालु रहते हैं वहाँ रहेगा। और किसी प्रकार से ताकि कोई मतलब हौच पौच न हो। और कहीं देहरादून का प्रसिद्ध ऐतिहासिक झंडा मेला है वो लगने जा रहा है और इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हुए हैं, व्यवस्थाएं जैसे पहले भी हम लोग करते आए हैं उसी तरीके से इस बार भी करेंगे। इस बार थोड़ी भीड़ बढ़ने की संभावना है तो उसको लेकर के क्या नई व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर फोर्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें स्मूथली चलें। ये 12 तारीख से शुरू होना है श्री झंडे जी का जो मेला। इसमें इस बार जो है क्योंकि कोविड पीरियड भी नहीं है इसलिए जो है ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, उसी के लिहाज से सारी तैयारियां चल रही हैं।